गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है 27th की मॉर्निंग और एवरीडे ना मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ आजकल, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो क्वेश्चन ये है कि एवरीडे मैं नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच में क्या बनाऊँ, क्योंकि लंच और डिनर तो हम एक साथ ही करते हैं, मतलब कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या बनाऊँ। तो मैं बहुत टायर्ड हो गई सोच सोच के और कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे कि क्या बनाया जाए, और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा परेशान करता है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। आप कुछ सजेस्ट करोगे आज? भैया हम तो सिर्फ खाने वाले हैं। हाँ, ये तो बनाने वाले की टेंशन है, हम तो सिर्फ मिल जाएगा तो खा लेंगे। नहीं, नहीं आज नहीं मिलेगा तुम भूखे रह जाएंगे और क्या करेंगे। आज आप जाके कुछ बनाओ, मैं परेशान हो गई। मेरा व्रत है आज, कौन सा दिन है? हाँ, क्योंकि मैंने आज 16 सोमवार का मेरा पहला व्रत है। क्या मैं व्रत पे हूँ? हाँ ठीक है, तो फिर मैं अपने लिए कुछ बना लूँगा, आप व्रत पर ही रहो। इस मौसम पर कोई सब्जियाँ अच्छी नहीं आ रही है, मैं दाल राइस खा के तो पक चुकी हूँ, नाम भी मत ले। ऐसे चूते ऐसे क्यों करते? अरे भैया चना बना दो, राजमा बना दो, भिगोए तो नहीं राजमा? राजमा नहीं है, और छोले खा कर गए, पक गए, वो भी बहुत खा लिया, और आलू मटर मैंने बहुत खा लिया। आलू पुलाव बना दो, दही पुलाव, रोज ही पुलाव खाया है, फिर क्या बनेगा भाई? अच्छा चलो मैं वो बनाऊंगी, आप बताओ क्या बनाओ। मैं आप बताओ मैं क्या बनाऊ? आप बनाओ कढ़ी चावल। कढ़ी चावल मुझे आता नहीं। तो क्या आता है? अरे और दूसरा बताओ ना, बताओ ना प्लीज, क्या जो आप बोलोगे वो बना दो। ये कढ़ी चावल क्या है? नहीं जी, कुछ और बोलो ना। और क्या बोलूं बाबा, जो आप बोलो वही बना दूंगी। राजमा? राजमा है नहीं। छोले? छोले भिगोए नहीं। दो आप बोलो तो बना दूंगी। तो अरे क्या बोल, वही बनेगा जो आप बोल। बताओ ना प्लीज बताओ। वो बना दो, उसका पत्ता है ना, अरबी के पत्ते, पत्ता एक ही है, बेसन का मन तो पत्ता आज मेरे बनाने का मन नहीं है, बाकी आप जो बोलो मैं वो बना दूंगी। बहुत दांत निकाल लो बाबू, सोच लो आप जो बोलो मैं वो बना दूंगी। एक काम करो, बना दो आलू के पराठे और दही और अचार, मस्त बटर लगा के खा लेंगे, क्या बोलते हो? बोलो। आलू पराठा मैं ऑयली नहीं खाती, रात में इतना बड़ा पराठा ठूस के और ऑयली नहीं खाती, तो मैं आज से ऑयली नहीं खाती। बताओ यार क्या बनेगा। नहीं, सस्ता सा, सस्ता सा क्या, नमक चावल, चावल बना तो नमक के साथ खा लेंगे, यही सस्ता सा है और क्या। और क्या, नमक प्याज है और मिर्चा, ये कहीं खा लेंगे। और तो जब तक मैं अपनी मॉर्निंग टी इंजॉय कर रही हूँ, मेरे पति देव गए हैं स्वीट कॉर्न बनाने, क्योंकि नाश्ते में हमसे वो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वीट कॉर्न ही ब्रेकफास्ट में खाएंगे, मतलब वो मुझे और इनको खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया है कि मुझे बनाना क्या है, मतलब इतना सोचने के बाद भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं कि आज क्या बनाए, मतलब एवरी डे यार मतलब दिमाग खराब हो जाता है सोच सोच के कि सुबह क्या बनाओ, शाम को क्या बनाओ, सुबह क्या बनाओ, शाम को क्या बनाओ। अब देखते हैं स्वीट कॉर्न बन गया क्या? बस लाने वाला। क्या बनेगा आज, मतलब मेरा एवरी डे सुबह उठते पहला क्वेश्चन होता है क्या बनेगा आज, फिर शाम को मैं अपने हस्बैंड को ऑफिस में कॉल करके पूछती हूँ सुनो आज क्या बनेगा, फिर मैं ये रात को जो हम डिनर करते हैं उसके बाद सोने के पहले भी लोग एक दूसरे को लव यू मिस यू किस यू करते हैं,
मैं ये पूछ के सोती हूँ कि सुनो कल बनेगा क्या, लेकिन सुबह उठ के फिर वही बात कि आज बनेगा क्या। मतलब तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, मेरी पूरी लाइफ से इसी एक क्वेश्चन के आसपास है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है कि साला बनेगा क्या। और फिर भी बनता क्या है, छोले, राजमा, दाल राइस, कभी कभार मटर पुलाव, आलू मटर, मटर पनीर, गट्टे। मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मार्केट की सब्जी 2 दिन लेके आओ फ्रिज में रखो, ऐसे खराब, ऐसे स्मेल आने लगती, पता नहीं ये ओरिजिनल सब्जियां भी है या नहीं। लोग यही खाते हैं, हीरा सोना चांदी थोड़ी खाते हैं। तो मैंने कब कहा हीरा सोना चांदी खाओ, पर फिर कुछ बात तो हुई ना कि बनेगा क्या। ये तो इतने बड़े उसमें ले आया मैं। अच्छा, आपके पास कोई ढंग की प्लेट नहीं है, ये देखो, ये पति देव ये पूरा बाउल उठा के ले आए हैं खाने के लिए स्वीट कॉर्न का। अब बताओ बनेगा क्या। मेरा तो व्रत है बाबू। आपको व्रत है और ये स्वीट कॉर्न खा रहे हैं? फलाहार कर रहा हूं। ये फलाहार है, स्वीट कॉर्न कब से फलाहार में आ गया बताना मुझे। इसका इतना अल्टीमेट टेस्ट है ना, उसे बनाया क्या, सिर्फ हमने मार्केट से स्वीट कॉर्न लिया, उसे थोड़ा बॉइल किया और सिर्फ उसमें चाट मसाला डाला है ना, इतना यम टेस्ट है इसका, आप लोग जरूर ट्राई करना। स्पेशली अगर चाट मसाला है तो एवरेस्ट का और उसको बहुत उसके साथ और भी अच्छा लगता है। ये तो MDH वाला है, ये भी अच्छा लग रहा है, एवरेस्ट वाला बहुत पसंद। तो आज एक स्वीट कॉर्न पे पूरा दिन निकालेंगे क्या, फिर बात वही है दोस्तों, घूम फिर के आज बनेगा क्या। ठीक है, तब तक मैं सोचती हूँ। ये सब क्या है, बना दो यही। YouTube पे सर्च कर रहे हो आज क्या बनाए। हाँ हाँ, क्या बनाओ, YouTube भी कंफ्यूज है, कुछ ठीक से बता नहीं रहा, लिख रहा है सिर्फ 1 घंटे में बनाए वेज थाली। वेज थाली में क्या क्या, 56 भोग हैं वेज थाली में, बन जाएगा, बना दो आप, 57 बना दो। तो फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं क्या क्या बनेगा। वैसे चावल तो दिख रहा है मुझे, और ये इसमें क्या है, दाल, दाल चावल बस, सब्जी फिर इसके साथ क्या कहेंगे, चटनी वटनी। इस मेहनत से मैंने सिर्फ दाल राइस बनाया, ये मेहनत का पसीना है। अच्छा, इतनी गर्मी में मैं सिर्फ दाल राइस बना सकता हूँ, चाहते हो तो सिर्फ टमाटर की चटनी बन सकती है। चलो ठीक है, टमाटर की चटनी बना देना। तो बनेगा क्या मिस्ट्री सॉल्व, पर अभी रात में क्या बनेगा वो मिस्ट्री, वो तब की तब देखेंगे, वो तब की तब देखेंगे। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, मेरी मेहनत देखो, ओ गॉड। इधर पसीने आ रहे हैं, इस पसीने का इसको इनाम हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करके दें, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज कमेंट करके जो फीमेल्स हैं वो प्लीज मुझे बताएं कि आखिर बनेगा क्या। और क्या, क्योंकि एक फीमेल ही एक फीमेल की प्रॉब्लम, बाय बाय, अब हो गया है, अब ज्यादा मत, फीमेल ही फीमेल की प्रॉब्लम समझ सकती है। हाँ, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कुछ यूनिक सी रेसिपी बताएं कि मैं बनाऊं क्या। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।